वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं छत पे आया था थोड़े से कपड़े डालने के लिए रस्सी पे, तो अभी अभी धोए थे ना मम्मी ने तो लेके आया था। और धूप इतनी कड़क हो रही है, और मैं सुबह सुबह ट्यूशन गया था ना आज, और बहुत ही गर्मी होती है, हद से ज़्यादा गर्मी एकदम बढ़ गई है 2-3 दिन से। और मैं ये छोटे वाली खाटे भी नीचे उठा लाया आज, तो क्योंकि पहले तो मैं ऊपर बैठता था ना जैसे ठंड में धूप वगैरह में, तो अब तो बैठ नहीं सकता, धूप बहुत ज़्यादा आ गई, तो मैं इसको नीचे ले आया हूँ। अब नीचे बैठ के यहाँ कमरे में पड़े करेंगे, मस्त रूम है वैसे ये, अभी वैसे खाली पड़ा, कोई सामान वामान कुछ नहीं रखा हुआ इसमें, तो एक मेज लेने की सोच रहा था, मतलब बनवाने की, ताऊ जी करते ना काम तो ताऊ जी से बनवाएंगे। और आज साइड वाले घर में कीर्तन भी है, तो देखेंगे, बुलाया कीर्तन में मम्मी और जाएंगे, पर मैं तो नहीं जाऊँगा, और शोर भी आएगा, चलो देखेंगे जैसे होगा। सो गाइस अभी मैं कुछ देर बाद आया हूँ घर से बाहर, सो गया था, रेस्ट वगैरह किया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो नींद आ गई थी, सो गया था। और अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, घर पे तो बैठ के वो बोर हो रहा हूँ, और शाम भी हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या व्लॉगिंग की जाए। और कल जाना हूँ घर पे, हिमांशु भी नहीं है, फीका बैठ गया, तो हिमांशु भी नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा। अगर वो व्लॉग देख रहा तो ब्रो जल्दी आ जाओ घर पे, मेरे समझ नहीं आ रहा व्लॉगिंग क्या करूँ। तो अभी तो मैं यहीं जा रहा था पास में, घूम के वापस चलेंगे फिर। सो गाइस अभी मैं घूम के वापस आ गया हूँ घर पे, क्योंकि वहाँ भी टाइम पास नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो घर पे ही चलते हैं। तो घर पे आ गया, मैं आप चीज़ दिखाऊँ, कल हम होली खेलते हैं यहाँ पे, अभी तक रंग नहीं उतरा, ये दीवारों पे सब लगा पड़ा है, पिंक पिंक हो गया, पूरी सारी दीवारें पिंक पिंक हो गया। तो गाइस ये वाले फूल भी सारे सूख गया, पहले तो पूरे ग्रीन ग्रीन और मस्त हो चुके थे एकदम के। गाइस ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये वाइट वाइट, इसको डालने में बहुत मज़ा आता मुझे तो। इसको ये वो होती है जैसे रुई नहीं होती वगैरह कॉटन, उसके ये उड़ाने में मजा आता है इसको। तो गाइज मुझे तो लगा कि ये सूखे होंगे, बट सारे पेड़ सूख चुके हैं, क्योंकि तो अभी वो चल रहा है ना पतझड़, ये अभी सारे पेड़ सूख चुके हैं आसपास के, क्योंकि तो अभी पतझड़ चल रहे हैं, तो बाद में ये वो हो जाएंगे ग्रीन ग्रीन, तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, मैं अगले ब्लॉग में अगर पता लगा ना तो मैं बता दूंगा आपको। तो गाइज जो साइड वाले घर में कीर्तन था वो अभी कंप्लीट हो चुका है कीर्तन, और जब कीर्तन हो रहा था मैं तो आराम से सो पड़ता, अभी उठा ना जैसे घूमने से पहले, तो मम्मी आज प्रसाद लेके आई थी, हलवा और छोले मस्त बनाते हैं कीर्तन वाला, जो प्रसाद होता है ना मस्त लगता है। और अभी लविशोर भी घर नहीं है, वो आज गए हुए कहीं, तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा मेरे, तो ये उनके घर यहाँ पे रहता है वो हमारे घर पे, और यहाँ पे जो मैंने खाट डाली थी वो मम्मी लेके बैठी है बाहर। सो गाइस बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने अपनी साइकिल को धोया तक नहीं, बिल्कुल गंदी हो रखी है, और ये भी थोड़ा थोड़ा उखड़ने लग गया इसका यू, ये भी देखेंगे चेंज करवा लेंगे धीरे धीरे। और एक ये सीट कवर है ना, ये उतर जाता है इसका बार बार, जैसे मैं खड़ा होकर चलाता ना, तो ये भी सेट करवाएंगे बिल्कुल साइकिल, और ब्रेक व्रेक सब टूट गई इसकी, देखना है बिल्कुल सेट करवा के ना अच्छे से वो करवा लेंगे, फिर इसको देखेंगे बेच देंगे। और गाइस यहाँ से मैंने अपने कपड़े सिल लिया, ये मेरे भाभी का सूट, ये यहाँ से कपड़ा जाएगा कल कॉलेज, कल तो संडे है और परसों जाएंगे, क्या देख रहा। अभी 10 बज रहे हैं रात के, और अभी हम रात को कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सिल पापड़ी लेके आए हुए, सिमरन को नहीं मिली, रो रही है ये, हैं पिएगा। सो भाई थोड़ा ठंडा पीते फिर मिलेंगे।